प्रसाद जो उमा से सवाल कर रहे हैं, जिसके उत्तर बीच में ही हंस हंसकर झूठी शान लेकर राम स्वरूप दे रहे थे। गोपाल प्रसाद को इच्छा थी कि इसके उत्तर इसके जवाब उमा ने देने चाहिए। वो बोल पड़े, जरा उमा को भी तो मुंह खोलने दीजिए। परंतु उमा चुप है, सर झुकाए बैठी है अपने तख्त पर। तब बीच में ही राम स्वरूप कहते हैं, बेटी ये क्या कह रहे हैं, जरा जवाब तो दो ना। और बीच में ही कहते हैं कि शर्माती है, शायद इसी वजह से वो उत्तर नहीं दे रही है। परंतु गोपाल प्रसाद जिद करती है कि मुझे भी तो सुनने दो उसकी आवाज। तो राम स्वरूप कहते हैं, बेटी जवाब दो ना। तब उमा एकदम हल्की और मजबूत आवाज में उनके बातों का उत्तर देती है। वह कहती है, क्या जवाब दो बाबूजी, जब दुकान पर कुर्सी मेज बिकती है तो खरीदार कुर्सी मेज से तो कुछ पूछता नहीं है, वह तो दुकानदार से पूछेगा ना। और यहाँ पे खरीदार कौन है, गोपाल प्रसाद और शंकर। दुकानदार कौन है, राम स्वरूप। परंतु चीज कौन है, उमा। जो उमा की भावनाओं का यहाँ पे गला दबाया जा रहा है, चीज की तरह इस्तेमाल हो रही है। उसे कुछ भी बोलने का मौका यहाँ पे नहीं दिया गया है। उसके साथ एक तरफ से अन्याय ही हो रहा है। जो बातें सत्य है वो तो छुपाई जा रही है यहाँ पे। एक पिता बनकर भी, एक माँ बनकर भी दोनों अपनी बेटी का सत्य छुपा रहे हैं, उसकी भावनाओं का गला यहाँ पे दबा रहे हैं। हमारे समाज में भी ऐसा ही है कि चाहे कितनी भी लड़की पढ़ी लिखी हो, परंतु उसे आज भी समाज अपने पैरों की धूल समझता है, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। शादी के लिए सिर्फ लड़का नौकरी पर होना, उसका घर बार अच्छा होना, यही बातें मायने नहीं रखी जाती, बल्कि लड़के के भी गुण अच्छे हो, अपनी पत्नी का वह सम्मान करे, मान रखे, उसकी इज्जत करे, इसका भी महत्व होता है। परंतु ये सब बातें उमा के साथ हो रही है, जो झूठ है, जो सही नहीं है। इसी वजह से स्त्री पर कई अत्याचार होते हैं, उसका अस्तित्व वह खो देती है इस समाज के ऐसे रूढ़िग्रस्त विचारों की वजह से। उमा एक माध्यम है, जो पढ़ी लिखी होकर भी इस समाज ने उसे और भी ऐसे विचारों से जोड़ दिया है, जो सत्य छुपा दिया गया है। उमा जवाब पर जवाब दे रही है। गोपाल प्रसाद एकदम खड़े होते हैं, क्या तुम पढ़ी लिखी हो? और राम स्वरूप जी, क्या आपने हमारी बेइज्जत के लिए हमें यहाँ बुलाया है? वह अभी क्रोधित हो गए, चिढ़ गए हैं। उमा कहती है, हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, बीए पास किया मैंने, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे भी मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान का ख्याल है। तुम्हारे बेटे की तरह नहीं, जो कायर होकर लड़कियों के हॉस्टल में ताकझाक करता रहता है। और ये इन्हें देखो कैसे पीछे नौकरानी के पीछे या कदमों में गिरकर कैसे अपने मुंह छुपाकर भागे थे। एकदम शंकर भी और गोपाल प्रसाद भी जाने के लिए खड़ा होते हैं। और शंकर कहता है कि चलिए बाबूजी, परंतु गोपाल प्रसाद एकदम लाचार हो गए हैं। वह उन्हें सुन ही रहा है कि क्या बोले, क्योंकि अब सत्य सामने आ गया था ना। राम स्वरूप बार बार अपनी बेटी को चुप करा रहे हैं, परंतु अब जब सत्य की आवाज होती है तो झूठ अपने आप गायब हो जाता है, झूठ अपने आप दब जाता है। यही हो गया है, उमा की आवाज ने इस सत्यता को न्याय दिया है। उमा कहती है, जाइए जाइए, जरूर जरूर चले जाइए, परंतु इस बात को ध्यान में रखिए कि घर जाकर जरा देखना कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है या है नहीं। तब गोपाल प्रसाद के चेहरे पर लाचारी की बेबसी छाई हुई होती है और शंकर के चेहरे पर बेबसी का रुलासापन। दोनों माँ बेटे चले जाते हैं और उमा ससा शांत हो जाती है। यहाँ पे
आप समझ गए होंगे कि उमा के माध्यम से इस पाठ में जो उमा है उन्होंने नारी के प्रति हमने कैसे सम्मान करना चाहिए उसकी शिक्षा का महत्व इस पाठ में लेखक ने हमें बताया है। तो जब बार बार लड़कियों का सम्मान नहीं होता, स्त्री का सम्मान नहीं होता, तब तब ऐसे सत्यता की आवाज उठी है, तब कहीं जाके उमा जैसी लड़कियां अपने जीवन में सफल होती है। तो यहाँ पे भी जीवन में सफल होने के लिए हमारे मान सम्मान और इज्जत का ख्याल रखते हुए समाज ने भी हमें प्रेरणा देनी चाहिए जो उमा के जरिए हमें मिलती है। गलती समाज की नहीं है, परंतु हम पढ़ी लिखी जो लड़कियां है वह आवाज नहीं उठाती। जब उसकी आवाज निकलेगी तब उसे न्याय मिलेगा, वह आजादी से रहेगी, स्वतंत्र विचारों की रहेगी। किसी के दबाव में आकर अगर उसने अपना सपनों का, अपने भावनाओं का गला घोट दिया गया जाएगा, तब वह पूरा हार चुकी होगी। तो उमा ने भी हमें नारी को प्रेरणा के रूप में एक नया संदेश दिया है कि हमने खुद की हिम्मत पर, खुद के बल पर आवाज उठानी है, जो सत्यता की आवाज है। शिक्षित होकर हमारे ज्ञान, हमारे विचार वृद्धिगत हो जाते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में भी हमने एक अस्तित्व निर्माण करना है और नारी का सम्मान करना है।